नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों 22 मई 2022 तकरीबन 2 बजे का टाइम है और बिटकॉइन जो है 22,850 यूएस डॉलर पे चल रहा है इस टाइम। तो दोस्तों 24,000 यूएस डॉलर इसने कल टच किया था, उसके बाद से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरह का रेजिस्टेंस इसको हिट कर रहा है। एक इसका अपना रेजिस्टेंस है और उसके अलावा ये 50 डे ईएमए को टच कर रहा है, जहां पे बहुत सारे डे ट्रेडर होते हैं, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो इसको सेल मारना शुरू कर देते हैं। ताकि ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये एक रूल बना हुआ है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और 50 डे ईएमए को टच कर रही है तो आप इसको सेल मार दीजिए, क्योंकि यहाँ से वापस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ से जो है रिवर्सल के पूरे पूरे चांसेस हैं, वापस मार्केट नीचे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब ये नहीं है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाएगी, नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है, लेकिन 50 डे ईएमए को टच करते ही एक बार जो है मार्केट नीचे की तरफ भागती है। तो ये सिचुएशन जो मार्केट में बन रही थी। अब दोस्तों बात ये उठ के सामने आती है कि अब आगे क्या। तो आगे क्या, मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगे सब अच्छा ही अच्छा। वो कैसे कि आप पूरी दुनिया में अपने जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में गई है तो अप ट्रेंड में भी जरूर आई है। इसको दुनिया की किसी ताकत ने रोक नहीं पाया, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड्स की मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी की मार्केट हो, चाहे वो वाटर की मार्केट हो। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि पानी भी एक्सचेंजेस में ट्रेड होने लग गया है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड होता है। तो किसी भी चीज की ये किसी भी चीज की मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, रियल एस्टेट की मार्केट हो, अगर वो नीचे जाती है तो फिर वो ऊपर की तरफ भी जरूर आती है। थोड़ा सा उसमें क्या है, समय लगता है और वो आपके पेशेंस का टेस्ट होता है। और जब आप चढ़ती मार्केट में इसको आप रोक के बैठे होते हो अपने माल को कि और चढ़ेगा और चढ़ेगा, तो दोस्तों वो इंतजार भी मैं समझता हूँ कि उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आपको एक सर्टेन परसेंटेज तक रिटर्न मिल रहा है तो लेके निकल जाना चाहिए और उसके बाद मार्केट को फिर से बेयर फेज में आने का इंतजार करना चाहिए। एक्चुअली बुल फेज वो ऐसे चलता है, ऐसे लगता है कि जैसे मार्केट कभी नीचे आएगी ही नहीं, और जो बेयर फेज है वो ऐसे चलता है कि मार्केट कभी ऊपर जाएगी ही नहीं। तो क्रिप्टो मार्केट में जैसे हम सारे जानते हैं कि वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक मार्केट में जैसे आपने देखा होगा कि ये जैसे ही गिरती है तो इस पे एक सर्टेन परसेंटेज के बाद इसमें जो है एक फ्रीज लग जाता है, एक इसको रोक दिया जाता है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट जो है एक बार अगर गिरना शुरू करती है तो ये फ्री फॉल में जाती है। उसका कारण क्या है कि इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, और रेगुलेशन जो है दोस्तों वो क्रिप्टो मार्केट की स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मार्केट रेगुलराइज नहीं है, या बिटकॉइन को आपने पकड़ के नहीं रखा हुआ है, किसी तरह की बंदिशों में नहीं डाला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्लस पॉइंट भी है। लेकिन वो वहीं पे इसका नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि जब बड़ा पैसा अपना हजारों करोड़ रुपया उसमें डालता है तो उसके दिमाग में एक यही डर होता है कि कहीं कल को ये जीरो तो नहीं हो जाएगा, या कल को ये ऐसा कोई काम तो नहीं कर देगा जो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो रेगुलेशन जो है वो दोस्तों एक प्लस माइनस दोनों होता है। तो ये सिचुएशन जो है बनती रहती है, लेकिन आप अपना माल है उसको पकड़ के रखें। दुनिया में कमाने का यही तरीका है, जिसने भी यहाँ कमाया है, फाइनेंशियल मार्केट्स में कमाया है, उसने अपने पोर्टफोलियो को 60-70% तक माइनस देखा है और उसके बाद उसने प्लस में भी जाते देखा है दोस्तों, और प्लस में भी 200-200% तक, 500-500% तक लोगों ने ग्रोथ देखी है। और बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसने बहुत सारे मिलियनेयर यूएस डॉलर में बनाए हैं, INR में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यूएस डॉलर में भी इसने बहुत सारे मिलियनेयर बनाए हैं। तो दोस्तों यहां आपको वेट करना है, इंतजार करना है, टिके रहना है, जुड़े रहना है, और अच्छे दिन का इंतजार कीजिए दोस्तों, आएंगे। तो जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।